खरगोन की बात करेंगे आप तो यहाँ पर खरगोन जिले के यहाँ पर ग्राम गढ़ी में जनजाति सुरक्षा मंच की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यहाँ पर नगर के साथ ही ग्राम जो है मोगर गांव, अंजुन गांव, रस गांगली सहित यहाँ पर करीब करीब बताया जा रहा है कि 30 गांव से जनजाति समुदाय समाज एकजुट होकर यहाँ पर जो है डिलिस्टिंग के लिए यहाँ पर उठाई आवाज। और इस बैठक में बताते कि यहाँ पर प्रांत संरक्षक छतर सिंह मंडलोई उपस्थित होकर उन्होंने बताया जनजाति समाज के आरक्षण का लाभ 80% धर्मांतरित लोग ले रहे हैं और मात्र 20% जनजाति समाज को ही मिल रहा है। आप तो देखिए, यहाँ पर मंडलोई ने बताया कि यहाँ पर जो हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, पूजा पद्धति को छोड़कर अन्य धर्म में धर्मांतरित तो हो गए हैं, उनको आरक्षण सूची से बाहर किया जाना चाहिए। किस संबंध में बैठक रखी गई थी? यहाँ जनजातीय सुरक्षा मंच की बैठक रखी गई है और पूरे पूरे देश में रैलियाँ हो रही है और 1 अक्टूबर 2022 को खरगोन में महासम्मेलन जनजाति समाज का है, इसी विषय को लेकर यहाँ बैठक रखी गई है। हम हमारे अधिकारियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एक ही जनजाति समाज की एक ही मांग है कि जो हमारे धर्म परिवर्तन, जो हमारे समाज को छोड़ के चला गया है, हमारी रीति रिवाज परंपराओं को छोड़ के चला गया है, उसको आरक्षण की सूची से बाहर किया जाए। बस एक ही मांग है हमारी, डीलिस्टिंग डीलिस्टिंग डीलिस्टिंग।